बादलों में बसी जादुई नगरी में सभी परियां खुशी खुशी रहती थी। उनकी दुनिया बुरी शक्तियों के साए से पूरी तरह सुरक्षित थी, क्योंकि रानी परी ईवा के पास एक दिव्य मणि थी, जिसकी वजह से पूरा परीलोक एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। रानी परी ईवा की एक बेटी थी जिसका नाम नोरा था। वो भी अपनी माँ की तरह जादुई शक्तियों से परिपूर्ण थी। कुछ समय बाद रानी परी ईवा ने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया और नाम रखा अलीना। पर बदकिस्मती से परीलोक में जन्म लेने के बाद भी उसके पास अपनी माँ ईवा और बड़ी बहन नोरा की तरह शक्तियाँ नहीं थी, वो शक्तिहीन थी। रानी ईवा को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा, जिस वजह से वो अपनी छोटी बेटी अलीना पर कम ध्यान देने लगी। एलिना जब थोड़ी समझदार हुई तो माँ का बड़ी बहन नोरा की तरफ ज्यादा लगाव देख दुखी रहने लगी। ऐसे ही एक दिन अलीना अकेले कमरे में उदास बैठी सोच रही थी, मेरी दीदी कितनी लकी है, उसके पास कितनी सारी जादुई शक्तियाँ हैं और सभी उससे कितना प्यार करते हैं, और एक मैं हूँ, मेरे पास एक भी जादुई शक्ति नहीं है। एलिना ये सोच रही थी तभी कमरे में उसकी बड़ी बहन नोरा आई और बोली, क्या बात है मेरी प्यारी सी बहन, चलो मेरे साथ बगीचे में एक साथ मिलकर खूब खेलेंगे। क्या सच में दीदी, चलो चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, वहाँ चलकर तितलियाँ पकड़ेंगे। इतने में वहाँ रानी परी ईवा आई और बोली, ओह नोरा तुम यहाँ हो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना है, पर माँ मुझे अलीना के साथ खेलना है। तुम आने वाले समय में परीलोक की रानी बनने वाली हो, वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें बगीचे में अलीना के साथ खेलना शोभा नहीं देता, चलो मेरे साथ। ये सुनती ही अलीना का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नोरा को भी बहुत बुरा लगा, पर माँ के कहने पर उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। ऐसे ही समय बीत रहा था और देखते ही देखते अलीना 18 वर्ष की पूरी हो गई। सुबह सुबह जब अलीना नींद से जागी तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। आज माँ और दीदी ने मेरे लिए जरूर बहुत बड़ा सरप्राइज रखा होगा, मैं जल्दी से तैयार होकर हॉल में जाती हूँ। अलीना ने सुंदर सा गाउन पहना और फटाफट दौड़ते हुए हॉल में गई। लेकिन वहाँ ना तो कोई डेकोरेशन था ना तो कोई सरप्राइज, यहाँ तक कि किसी ने भी उसे विश तक नहीं किया। वो उदास होते हुए बगीचे में गई, तभी उसे वहाँ अपनी बड़ी बहन नोरा दिखाई दी, जो बगीचे में अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। वो दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, दीदी पता है आज मेरा। इतने में रानी परी ईवा वहाँ आई और बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है अपने कक्ष में रहा करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो अपनी जादुई शक्ति का अभ्यास कर रही है, आने वाले समय में अकेले नोरा को ही राजगद्दी संभालनी है। ये सुन अलीना रोते हुए बोली, माँ आप जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती हो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, लेकिन आप सिर्फ दीदी से ही प्यार करती हो, आपको तो इतना भी नहीं पता कि आज मेरा जन्मदिन है। अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया। ये कहते हुए अलीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई, पर वो इतनी दुखी थी कि वो ज्यादा देर कक्ष में नहीं रह पाई और दुखी होकर परीलोक के सुरक्षा कवच के घेरे से बाहर काफी दूर भटकते भटकते एक घने जंगल में चली गई। वो भूखी और प्यासी होने के साथ साथ काफी डरी हुई भी थी। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इतने में एक घनी झाड़ियों के पीछे से एक जंगली कुत्ता बाहर आया और अलीना घबरा कर जमीन पर गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जंगली कुत्ता अलीना पर हमला करने ही वाला था, इतने में एक सुंदर औरत वहां आई और जंगली कुत्ते को अपने हाथों में पकड़े डंडे से मार कर दूर भगा दिया। तुम ठीक तो हो ना? ओह आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। तुम पहले ये बताओ, इस खतरनाक घने जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो तबला बजाकर? दरअसल मैं परीलोक की रानी परी ईवा की छोटी बेटी अलीना हूँ, पर मुझे कोई भी परीलोक में प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, और आज जब मेरा 18वां जन्मदिन है किसी ने मुझे विश भी नहीं किया, बल्कि आज के दिन माँ ने मुझे खूब डांटा। चुप हो जाओ प्यारी राजकुमारी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी और सब तुमसे प्यार करने लगेंगे तबला बजाकर।
क्या सच में? पर कैसे? अगर तुम परीलोक की दिव्य मणि लेकर मुझे दोगी तो मैं अपनी शक्तियों से उस मणि के अंदर के सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ। फिर तुम्हारे अंदर भी बाकी परियों की तरह जादुई शक्तियाँ आ जाएगी तबला बजाकर। दिव्य मणि? पर वो तो परीलोक की सुरक्षा कवच है, मैं कैसे ला सकती हूँ? माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तुम्हें वो दिव्य मणि कुछ देर के लिए ही तो लानी है, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने साथ ले जाना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुम्हें भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह प्यार करे और तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियाँ हो, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ तबला बजाकर। एलिना जादूगरनी तंबोला की बातों में आ गई और बोली, ठीक है, मैं कल दिव्य मणि लेकर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, दिन में नहीं रात के समय ही आना, तब सभी सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब तुम अपने परीलोक वापस लौट जाओ, किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी तबला बजाकर। पर मैं परीलोक जाऊं कैसे? मैं रास्ता भटक गई हूं। अच्छा रुको, डिंग डोंग गिली गिली गप्पर शो। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला ने अपना जादुई डंडा घुमाया और जादुई कालीन प्रकट हो गया। एलिना खुश होते हुए जादूगरनी तंबोला से विदा लेकर जादुई कालीन में बैठकर वापस परीलोक लौट गई। वहीं जादूगरनी तंबोला की हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अब मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर परीलोक की रानी मैं बनूंगी। ग्रेट जादूगरनी तंबोला। तबला बजाकर। उधर एलिना परी जादूगरनी तंबोला के बिछाए जाल में फंस गई। फिर अगले दिन उसने चुपके से माँ के कमरे से दिव्य मणि चुराई और रात होते ही जंगल जा पहुँची। तुम कहाँ हो जादूगरनी? देखो मैं ले आई जादुई मणि, अब जल्दी से मुझे भी बाकी परियों की तरह जादुई शक्ति की मालकिन बना दो। इतने में जादूगरनी तंबोला प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तुम आ गई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, तुम दिव्य मणि ले आई तबला बजाकर। हाँ ये देखो ये दिव्य मणि, अब तुम जल्दी से मुझे भी शक्तिशाली परी बना दो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मणि मुझे सौंप दो, फिर देखना मेरा कमाल तबला बजाकर। जैसे ही एलिना परी ने जादुई मणि दुष्ट जादूगरनी तंबोला के हाथों में सौंपी तो वो अपने असली रूप में आकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली, बेवकूफ परी, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई। तूने कितनी आसानी से मेरी बातों में आकर दिव्य मणि मेरे हवाले कर दिया, अब मुझे परियों की रानी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, तेरी माँ भी नहीं। तबला बजाकर। जैसे ही जादूगरनी तंबोला ने अपना काला जादू दिव्य मणि पर किया, तभी अचानक परीलोक का सुरक्षा घेरा अपने आप टूट गया। ये देख तंबोला जादूगरनी अलीना को अपने साथ लेकर परीलोक ले गई और रानी परी ईवा को युद्ध के लिए ललकारने लगी। रानी परी देख मैं वापस आ गई, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि मेरे पास दिव्य मणि है। तबला बजाकर। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला एलिना को अपने साथ लिए परी महल में दाखिल हुई। रानी परी ईवा अपनी बेटी एलिना को जादूगरनी तंबोला के साथ देख बौखला गई। तंबोला तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ दे मेरी बेटी एलिना को। छोड़ दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले मैं परियों की रानी का ताज तो पहन लूं तबला बजाकर। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला ने रानी परी ईवा पर हमला किया। दिव्य मणि होने की वजह से रानी परी ईवा जादूगरनी तंबोला का वार झेल नहीं पाई और घायल हो गई। इतने में रानी परी ईवा की बड़ी बेटी नोरा ने भी अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, पर जादूगरनी तंबोला की शक्ति के सामने वो भी टिक नहीं पाई और जख्मी हो गई। अपनी माँ और बड़ी बहन को मुसीबत में देख अलीना से रहा नहीं गया, फिर उसने पूरी ताकत से जादूगरनी तंबोला को धक्का दिया और उसके कमरे में रखा
जादुई डंडा फुर्ती से तोड़ दिया। बेवकूफ परी, तूने मेरा जादुई डंडा तोड़कर अच्छा नहीं किया। दुष्ट जादूगरनी, तूने मेरी माँ और दीदी को चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की? कोई बात नहीं, दिव्य मणि तो मेरे पास है ना, तबला बजा कर। मैं तुझसे दिव्य मणि लेकर ही रहूँगी। ये कहते हुए अलीना जादूगरनी तबोला से दिव्य मणि लेने के लिए झपटी। छीना झपटी में दिव्य मणि दूर जा गिरी। ये देख रानी परी ईवा ने दिव्य मणि को फौरन अपने कब्जे में कर लिया। अरे मेरी मणि, वो भी मेरे हाथों से निकल गई। बेवकूफ परी, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दोस्त तबोला, अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अब तेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, तबला बजाकर। ये कहते हुए रानी परी ईवा ने अपनी बेटी नोरा के साथ मिलकर तबोला पर हमला किया और देखते ही देखते तबोला जलकर भस्म हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। रानी परी ईवा ने बड़े प्यार से अलीना को गले लगाते हुए बोली, अलीना मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अलीना मेरी प्यारी बहना, तुम सबकी आँखों का तारा हो और तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति है। जादुई शक्ति? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे पास एक अदृश्य शक्ति है और वो शक्ति है प्यार की। माँ ईवा की बात सुन अलीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानी परी ईवा ने कुछ समय बाद परिलोक की राजगद्दी अपनी दोनों बेटियों के हाथों सौंप दी। फिर दोनों बहनों ने मिलजुल कर परिलोक पर कई सदियों तक शासन किया। एक शहर में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी पर बहुत ही ज्यादा आलसी लड़की रहती थी, जिसे सोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। उसके बस दो ही शौक था, दिन रात सोना और सपने देखना। उसकी माँ फ्लोरा और उसके पिता विलियम इसकी इस आदत से परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक सुबह, सिंड्रेला उठ जा, कब तक सोती रहेगी, दोपहर हो चली है। क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, मुझे नींद से क्यों जगाया। तेरी उम्र की सभी लड़कियाँ सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है, और एक तू है जो कुंभकर्ण की तरह सारा दिन भर सोती रहती है। चल अब जल्दी उठ और जल्दी से नहा ले, मैं तब तक तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं नहा लूँगी। नहीं, तुम अभी मेरे सामने उठकर नहाने जाओ, मुझे पता है तुम मेरे जाते ही फिर से सो जाओगी, जल्दी उठो। ओ माँ, तुम भी ना, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर सिंड्रेला बाथरूम में नहाने चली गई। जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई, तो माँ फ्लोरा ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा सिंड्रेला बाथ टब में लेटी हुई खर्राटे मार रही थी। ये देख माँ फ्लोरा का पारा चढ़ गया और सिंड्रेला के गाल पर जोरदार चाटा मारा। कमबख्त, मैं तुझे बहुत तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं तेरी आदत कैसे छूटेगी। आ, ऐसे कौन मारता है अपनी फूल जैसी बेटी को। माँ प्लीज 6 मिनट सोने दो ना। ये कहकर सिंड्रेला फिर से सो गई। ये देख माँ फ्लोरा गुस्से से बोली, करमजली बाथटब में कौन सोता है, चलकर अपने कमरे में सो। फिर सिंड्रेला आंखें मलते हुए अपने कमरे में जाकर चद्दर तानकर सो गई। वो बस नींद में एक ही सपना देखा करती कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। वो इतनी आलसी थी कि सारा समय बस सोने में ही बिताया करती थी। सिंड्रेला के माता पिता ने उसके बेवजह सोने के बारे में कई डॉक्टरों से बात की, पर कोई भी डॉक्टर उसे इस आदत से निजात नहीं दिला पाया। सिंड्रेला के माता पिता ही नहीं बल्कि सोने की आदत से वो पूरे शहर भर में मशहूर थी। एक दिन की बात है, सिंड्रेला अपनी माँ फ्लोरा के साथ सब्जी लेने मार्केट गई। तब वहाँ एक सब्जी वाले ने सिंड्रेला से कहा, कैसी हो सिंड्रेला बिटिया, कहीं तुम नींद में तो नहीं चल रही हो। तो फिर ठीक है काका, आप सब्जी के पैसे मत लेना, क्योंकि मैं तो नींद में चल रही हूँ ना। सभी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते, पर सिंड्रेला सबको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती। एक दिन सिंड्रेला बगीचे में एक बेंच पर सो रही थी, तभी उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आई। अरे यार, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, उठ भी जाओ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, जिसे सुनकर तुम्हारी नींद हमेशा के लिए भाग जाएगी। गुड न्यूज? हाँ, तुम्हें पता है कल महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। महारानी ने शहर की सभी लड़कियों को इनवाइट किया है। कल राजकुमार थॉमस को पास से देखने का मौका मिलेगा।
क्या कहा? राजकुमार थॉमस? फिर तो मैं जरूर चलूंगी। पर तुम पार्टी में सो मत जाना, आज रात अपनी नींद पूरी कर लेना, वरना कल राजकुमार के साथ डांस नहीं कर पाओगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कल पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेस भी तो खरीदनी है। राजकुमार थॉमस से मिलने सिंड्रेला भी बहुत उत्साहित, उसने भी पार्टी में पहनने के लिए तुरंत मार्केट जाकर एक सुंदर सा गाउन खरीदा और रात को मेकअप कर और गाउन पहनकर बेड पर सोने चले गई। ये देख माँ फ्लोरा ने कहा, इतना सज धज कर क्यों सो रही है नालायक? माँ कल मुझे राजमहल जाना है, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, सुबह रेडी होने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी से तैयारी करके सो रही हूँ। ये सुन माँ फ्लोरा का सर चकरा गया। हे भगवान, कोई मुझे उठा ले, मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? माँ अब मुझे सोने दो, कल जल्दी उठना है। ये कहते हुए सिंड्रेला चद्दर ओढ़कर सो गई। फिर अगले दिन उसकी सहेलियां उसे बुलाने उसके घर आई। सिंड्रेला जल्दी बाहर आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। सिंड्रेला क्या तुम अभी भी सो रही हो क्या? इतने में सिंड्रेला बाहर आई और बोली, सरप्राइज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, मुझे लगा तुम अभी तक सो ही रही होगी, पर तुम तो। अच्छा ये सब छोड़ो अब चले, नहीं तो देर हो जाएगी। पर हम सभी कार में तो नहीं आ पाएंगे, कार में जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम सब कार में चली जाओ, मैं बग्घी में आ जाऊंगी। सिंड्रेला की सभी सहेलियां कार में बैठकर चली गई। वहीं सिंड्रेला ने बग्घी में बैठ राजमहल जाने के लिए निकल पड़ी। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से सिंड्रेला की बग्घी पीछे छूट गई। सभी सहेलियां समय पर राजमहल पहुंच गई। कुछ देर बाद सिंड्रेला की बग्घी भी राजमहल के समीप पहुंच गई। तब बग्घी वाला बोला, बेटी राजमहल आ चुका है। ओह अच्छा, पर मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं 5 मिनट सो जाती हूँ काका, आप मुझे थोड़ी देर बाद जगा देना। ऐसा कहकर सिंड्रेला नर्म मुलायम दर बग्घी में ही सो गई। पर जैसा उसने सोचा था वो 5 मिनट में नहीं उठ पाई। उधर महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। सिंड्रेला की सहेलियों ने पार्टी खूब एंजॉय की, साथ ही राजकुमार थॉमस के साथ डांस भी किया। ऐसे ही रात के 12 बज गए, पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी एक एक कर अपने घर लौटने लगे। जैसे ही जैस्मिन और बाकी लड़कियां बातें करते हुए महल के बाहर पहुंची, तो सिंड्रेला को बग्घी में सोती हुई देख बोली, तुम यहां बैठी सो रही हो, अब उठ भी जाओ। ओह चलो यार पार्टी में चलते हैं, मैं आज पहली बार राजकुमार से मिलूंगी, कितना मजा आएगा। अब क्या करोगी पार्टी में जाकर, पार्टी तो खत्म हो चुकी है। क्या पार्टी खत्म हो गई? काका कहाँ हो तुम, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतने में बग्घी वाला आया और बोला, सिंड्रेला बिटिया तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी, फिर उसके बाद मैं खाना खाने चला गया। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई, उसका दिल टूट चुका था, पर उसने किसी से नहीं कहा और वो मन ही मन बोली, ना ही मुझे महल देखने का मौका मिला, ना मैं राजकुमार से मिल पाई। अब क्या सोचने लगी, चलो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, सपने में मिल लेना अपने राजकुमार से। सभी कार में और जैस्मिन पीछे पीछे बग्घी में साथ साथ सुनसान जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी सबकी आंख लग गई सिवाय बग्घी में बैठी सिंड्रेला के, जो पार्टी में ना शामिल होने की वजह से बहुत उदास थी। तभी अचानक रास्ते में दो लुटेरों ने हाथों में हथियार लिए कार को रोका। ये देख कार का ड्राइवर डर के मारे थर थर कांपने लगा। कार में बैठी लड़कियों की भी आंख खुल गई, वो भी उन लुटेरों को देखकर सहम गई। कुछ दूरी पर बग्घी में आ रही सिंड्रेला ने उन लुटेरों को कार की ओर बढ़ते हुए देख लिया। उसने फौरन बग्घी में रखा सफेद चादर अपने ऊपर ओढ़ लिया और डरावनी आवाज निकालते हुए लुटेरों की ओर बढ़ी। ये देख दोनों लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? मैं जंगल की आत्मा हूँ। इस जंगल में तुम्हारे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे से इस जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे जंगल में लूटपाट करने आए हो, मैं तुम दोनों का हाथ काट डालूंगी। नहीं, तुम मेरे नहीं, इसके हाथ काटना, ये मुझे यहाँ लेकर आया था,
पर मुझे माफ कर दो। बकवास बंद कर, तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था, मुझे जाने दो। तुम मेरे हाथ मत काटना प्लीज, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए नकाब पोश सिंड्रेला जैसे ही उनके करीब पहुँची, दोनों लुटेरे बेहोश हो गए। तभी कार में बैठी सभी लड़कियाँ बाहर आई और झुककर नागपोश सिंड्रेला के सामने खड़ी हो गई। तब जैस्मिन बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जंगल की आत्मा, आपने हमारी जान बचाई। इतने में सिंड्रेला सफेद चादर हटाते हुए बोली, ये मैं हूँ। ओह, तो ये तुम थी सिंड्रेला, तुम्हारे बेवक्त सोना आज हमारे बहुत काम आ गया। ये सब छोड़ो, पहले इन लुटेरों के जागने से पहले इन्हें महारानी के हवाले कर देते हैं, वो इन्हें कड़ी सजा देंगी। सिंड्रेला बिटिया, तुम इनाम की हकदार हो, तुमने इन लुटेरों को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। अगली सुबह सारा शहर जान गया और सब सिंड्रेला की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल में भी उसे बुलाया गया। महारानी एलिजाबेथ ने भी उसकी खूब प्रशंसा की। मुझे जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे राज्य की लड़कियाँ कितनी बहादुर और समझदार है। आखिरकार तुमने उन लुटेरे को पकड़ ही लिया जिन्होंने कुछ दिन पहले हमारे सोने के सिक्कों से भरी हुई बग्घियाँ चुराई थी। तुम इनाम की हकदार हो, मैं तुम्हें अपना खानदानी हीरे का हार देती हूँ। धन्यवाद महारानी। इतने में राजकुमार थॉमस भी आ पहुँचा। वो भी सिंड्रेला की बहादुरी और सूझबूझ का कायल हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं सिंड्रेला भी राजकुमार थॉमस को देख सूझबूझ खो बैठी। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। अब सिंड्रेला वो सिंड्रेला नहीं रही जो दिन रात सोते रहती थी, क्योंकि वो अब समझ गई कि सोते रहने से सपने कभी पूरे नहीं होते। जब तक आप नींद को त्याग कर उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते। वही समय बीतने के साथ साथ सिंड्रेला और राजकुमार थॉमस एक दूसरे के करीब आ गए और जल्द ही शादी कर खुशी खुशी रहने लगे। कानपुर के किसी गाँव में ईशिता और उसकी छोटी बहन जिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची नीलम की खुद की भी एक बेटी प्रियांशी थी। ईशिता और जिया के मम्मी पापा की मौत एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट में हो जाती है, इसलिए उस दिन के बाद से ईशिता अपनी बहन के साथ अपने चाचा चाची के घर में ही रहती थी। नीलम और उसकी बेटी प्रियांशी दोनों मिलकर ईशिता और जिया पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन ईशिता को बहुत बुखार हो जाता है, तब नीलम वहाँ आती है और कहती है, अरे ऐसी क्या बात हो गई? जो दोनों बहनें सुबह से आराम कर रही है, घर का काम कौन करेगा? चाची जी, ईशिता दीदी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए दीदी आज कोई काम नहीं कर पाएगी। चुप कर, मुझे पता है ये सब काम ना करने के बहाने हैं। चुपचाप दोनों काम करने चली जाओ, वरना मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। आप हमसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो चाची? चुप कर और जाकर बर्तन और कपड़े धो। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। ईशिता जिया से कहती है, जिया चाची जी और उनकी बेटी बहुत घमंडी है, इसलिए उनसे कभी भी अच्छाई की उम्मीद मत करना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना कहकर जिया कपड़े और बर्तन धोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम अपने बेटे के साथ बैठकर शॉपिंग की बातें कर रही होती है। प्रियांशी अपनी माँ से कहती है, मम्मी मैंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छे ब्रांड की मेकअप किट देखी है, मुझे वो खरीदना है। मैंने देखा उस मेकअप किट पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल ही वो वाली मेकअप किट लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी जाकर खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन नीलम प्रियांशी के लिए ब्रांडेड मेकअप किट लेकर आ जाती हैं। अपनी पसंद की मेकअप किट देखकर प्रियांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और बोलती है, अरे वाह, ये मेकअप किट तो कितना अच्छा है, मैं भी कभी यही वाली मेकअप किट जरूर खरीदूंगी।
वैसे तो तू इतनी बदसूरत है कि तुझे सच में मेकअप किट यूज करने की सख्त जरूरत है, लेकिन तेरे पास पैसे हैं भी ऐसी ब्रांडेड मेकअप किट खरीदने के लिए? उसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। प्रियांशी की बातें जिया के दिल पर लग जाती हैं और वो बहुत दुखी हो जाती हैं। उदास होकर जिया वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन प्रियांशी अपने दोस्त के साथ बाहर तैयार होकर घूमने जा रही थी, तभी प्रियांशी अपने दोस्त से कहती है, अनन्या मैं अपनी ब्रांडेड मेकअप किट लेकर चलती हूँ, वहाँ सबको दिखाऊंगी। मुझे पता है इतनी महंगी और सुंदर मेकअप किट किसी के पास नहीं होगी। हाँ हाँ ले ले। उसके बाद प्रियांशी अपनी मेकअप किट को ले लेती है और अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते अचानक प्रियांशी गिर जाती है और उसकी मेकअप किट टूट जाती है। मेकअप किट के टूट जाने के बाद प्रियांशी बहुत डर जाती है और बोलती है, अनन्या देख मैं कैसे गिर गई और मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड मेकअप किट टूट गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे अरे तू परेशान मत हो, तू इतनी अमीर है, फिर से ले लियो। इतना कहकर अनन्या प्रियांशी को तसल्ली देने लगती है। बहुत देर तक समझाने के बाद भी प्रियांशी नहीं समझती और रोने लगती है। मेकअप किट टूट जाने की वजह से प्रियांशी लगातार रोती है। अगर मम्मी को पता चला कि मैंने इतनी महंगी मेकअप किट तोड़ दी है तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगी। अरे यार तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जैसे जैसे बोलूँगी तू बिल्कुल वैसा वैसा ही करियो। कैसा आइडिया, जल्दी जल्दी बता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू सारा इल्जाम जिया पर डाल दे कि उसी ने तेरी मेकअप किट चुराई है। लेकिन मेरी मेकअप किट चोरी नहीं हुई है बल्कि टूट गई है। अरे तो तेरी मम्मी को कौन बताएगा कि मेकअप किट टूट गई है? तू बोल दियो कि जिया ने चुरा ली है। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उसके बाद प्रियांशी अनन्या के साथ उसके घर जाती है। दोनों नीलम के पास जाती हैं और प्रियांशी बोलती हैं, मम्मी मम्मी जिया ने मेरी मेकअप किट चुराई है क्योंकि बहुत देर से मुझे मेरी मेकअप किट नहीं मिल रही। हाँ आंटी, मैंने जिया को देखा है मेकअप किट चुराते हुए। दोनों की बात सुनकर नीलम को जिया पर बहुत गुस्सा आता है। नीलम जिया के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारने के बाद बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ब्रांडेड मेकअप किट चुराने की? पहले दिन से तेरी नजर मेरी बेटी की मेकअप किट पर थी ना, चल मेरी बेटी की मेकअप किट निकाल। नहीं नहीं चाची, मैंने कोई मेकअप किट नहीं चुराई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इतना कहकर जिया रोते हुए घर से निकल जाती है। रोते रोते जिया दूसरे गांव के घने जंगल में पहुंच जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक नदी में से एक आवाज आती है, तुम यहां बैठकर क्यों रो रही हो और तुम इस घने जंगल में कैसे पहुंची? यहां तो कोई आम इंसान आ ही नहीं पाता है। अरे नदी, तुम बोल भी सकती हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई नदी हूँ, मैं हर अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा अब जल्दी से तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। मेरी चाची और प्रियांशी मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो सारा दिन हमसे घर का काम करवाती रहती हैं और अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत मारती हैं। आज तो उन्होंने मेरे ऊपर मेकअप किट के चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मेरी बड़ी बहन बहुत भोली भाली है इसलिए वो चाची को कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जिया की बात सुनकर नदी में से आवाज आती है, बेटी उन दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उन दोनों को सजा नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारे साथ गलत हुआ है इसलिए सजा भी तुम ही दोगी, मैं बस तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर वो नदी वहाँ दो जादुई सोने और चांदी की मेकअप किट प्रकट करती है। जादुई सोने और चांदी की मेकअप किट को देखकर जिया हक्की बक्की रह जाती है। वो नदी जिया से कहती है, बेटी इनमें से तुम्हें कोई एक मेकअप किट ही मिल सकता है। इन दोनों जादुई सोने और चांदी के मेकअप किट में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं,
तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कोई एक मेकअप किट तुम्हारे पास आ जाएगा और दूसरा गायब हो जाएगा। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। नदी की बात सुनकर जिया अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही जिया आंखें बंद करती है, अचानक चांदी का मेकअप किट गायब हो जाती है और सोने की मेकअप किट वही रहती है, जिसके बाद नदी में से फिर से आवाज आती है, तुम दिल से बहुत अच्छी और ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें ये अच्छाई वाली सोने की मेकअप किट मिली है। आज से ये जादुई सोने की मेकअप किट तुम्हारी हुई और ये जादुई मेकअप किट तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। नदी की बात सुनकर जिया बहुत खुश होती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद जिया सोने के जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करती है। जादुई मेकअप किट का मेकअप लगाते ही जिया बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद जिया जादुई सोने की मेकअप किट से एक बड़ा सा घर मांगती है। उसके बाद वहाँ जिया के लिए एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। फिर जिया अपने चाचे के घर वापस आती है और अपनी बड़ी बहन ईशिता को सारी बातें बताती है। जिया अपनी बहन को लेकर अपने घर में आ जाती है और वहीं रहने लगती है। थोड़े ही समय में जिया और ईशिता बहुत अमीर हो जाती हैं। एक दिन दोनों बहनें मिलकर गरीब लोगों में खाना बांट रही होती हैं। तभी नीलम और प्रियांशी वहाँ से गुजर रही होती हैं। दोनों बहनों को इस तरह गरीब लोगों की मदद करते हुए देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं और उनसे जलने लगती हैं। अरे मम्मी देखो, ये तो इशिता और जिया हैं। देखो देखो, जिया तो इतनी बदसूरत थी लेकिन अब कितनी खूबसूरत हो गई है। ये सब कैसे हुआ, चलो पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी जिया और इशिता के पीछे पीछे उनके घर में चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी जिया को सोने की मेकअप किट से पैसे मांगते हुए देख लेती हैं। उसके बाद दोनों लालची माँ बेटी सोने का मेकअप किट चुराने का फैसला करती हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी सोने का मेकअप किट छूती हैं, वो दोनों काली और गंजी हो जाती हैं। प्रियांशी रोते हुए अपनी मम्मी से कहती हैं, मम्मी इस सोने के मेकअप किट को छूते ही ये हम दोनों के साथ क्या हो गया, इससे अच्छा होता कि हम यहाँ आते ही नहीं। हम दोनों ने दोनों बहनों पर इतना अत्याचार किया है, ये उसी की सजा मिल रही है हमें। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती पर पछतावा हो गया था, लेकिन अब वो जिंदगी भर के लिए काले, बदसूरत और गंजे हो गए थे। रोते हुए दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशिता और जिया खुशी खुशी रहने लगते हैं।